दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल साइंस का जादूगर में। मैं दिव्यांश सैनी आपको क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बता दिया था कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से रिलेट करती है, ट्रिग्नोमेट्री में हम कौन सी वाली ट्राइंगल का यूज़ करते हैं, और मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 से जितना भी उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट था मैंने उसको बता दिया था। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे उसका नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज नंबर 8.2, जो कि आपके स्क्रीन पे आपको एक टेबल नज़र आ रही होगी उससे रिलेटेड है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस टेबल को एनालाइज करते हैं, इसको हम एक्सप्लेन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और इसको समझते हैं कि हमारे इस टेबल का कहाँ यूज़ है। क्योंकि ये जो आपके स्क्रीन पे ये जो वैल्यूज हैं ये सब आपको यूज में आने वाली हैं, तो सबसे पहले तो हम इनको देखते हैं कि ये आई कहाँ से। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, केवल साइन की वैल्यूज को याद कर लीजिए। साइन की वैल्यूज याद करने पे आप क्या करेंगे, साइन का कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, इन सब की वैल्यू को आप अपने आप निकाल सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसकी ट्रिक बता रहा हूँ कि आप उसको किस तरीके से फाइंड आउट करोगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम आते हैं साइन पे। तो साइन थीटा है, साइन 0 = 0। सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये तो है स्टूडेंट्स डिग्री में। अब मैं आपको एक रेडियन है होता है, मैं उसके बारे में बता दूँ। ये जो है पाई, ओके। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है, बेसिकली पाई की वैल्यू होती है आपकी 180 डिग्री, ओके। तो पाई की वैल्यू 180 डिग्री है, तो 90 यानी कि पाई का हाफ, भाई 180 का हाफ क्या है, 90। इसका मतलब मैं 90 के लिए क्या कर दूंगा, पाई को 2 से कर दूंगा डिवाइड। तो ये कितने का आ गया स्टूडेंट्स, 90 का। 60 के लिए कैसे करके कर दूंगा, 60 डिग्री, यानी कि पाई का 180 का कितना, अपॉन 3, यानी कि अगर हम 180 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो वो 60 आ जाएगा। तो मैंने लिख दिया पाई अपॉन 3। ऐसे ही अगर मैं 45 की वैल्यू रखता हूँ स्टूडेंट, तो 45 का क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 4, यानी कि आप क्या करें 180 डिग्री को 4 से डिवाइड कर दें तो आपकी वैल्यू आ जाने वाली है कितनी, 45। ऐसे ही स्टूडेंट्स क्या है, 30 डिग्री को मैं क्या करूँ, पाई को 6 से डिवाइड कर दूँ तो वो आ जाएगा मेरा 180 डिग्री इज डिवाइडेबल बाई 6, यानी कि 30 डिग्री आया है और 0 = 0 है। तो मैंने देखिए आपको डिग्री में और रेडियन में दोनों में मैंने आपको वैल्यूज दिखा दी हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा कि किस तरीके से ये मैंने सॉल्व किया, पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 4 कैसे लिखा हुआ है, क्योंकि ये भी आना है। अब स्टूडेंट्स, हम देखते हैं अपनी वैल्यूज को। तो देखिए, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1। ये तो थी स्टूडेंट्स साइन की वैल्यू। अब मुझे कॉस की वैल्यू पता करनी है स्टूडेंट्स। तो कॉस की वैल्यू मैं किस तरीके से पता करूंगा कि आप क्या करिए, ये जो यहाँ पे साइन की वैल्यू है, यहाँ आप 1 को इधर ले आइए, देखिए, यानी कि जो 90 की वैल्यू है साइन 90 की, उसको आप कॉस 0 पे ले आइए। तो कॉस 0 यानी कि 1, ये 60 की वैल्यू होगी जो 30 की वैल्यू हो जाने वाली है, और 45 की वही रहेगी, और 30 की वैल्यू इधर आ गई और 0 आ गया इधर, यानी कि आपने क्या कर दिया, जो कॉस साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 की वैल्यू आ गई, यानी कि ये जो वैल्यू है इनको इस तरीके से आपने यहाँ पे कॉस में पलट दिया, तो वो आपकी आएगी कॉस की वैल्यू। अब देखिए टेन की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स, टेन की वैल्यू और कॉट की वैल्यू, अभी आप रुकिए, मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सेक। तो स्टूडेंट्स, मुझे मालूम है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec θ, जो कि आप कॉन्सेप्ट में आगे पढ़ोगे जब मैं आपको आगे ट्रिग्नोमेट्री बताऊंगा, तो मैं आपको ये रिलेशन बताने वाला हूं कि स्टूडेंट्स, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec θ होता है, यानी कि अगर आप cos की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दीजिए तो वो sec की वैल्यू आने वाली है। तो देखिए, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल कितना आएगा, 2 आ जाएगा ऊपर, √3 आ जाएगा नीचे, तो 2/√3, √2 में 1/√2 यानी कि √2 चला जाएगा ऊपर, तो √2 आ जाएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 आ जाएगा, 0 का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइंड, ओके। तो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से साइन है, साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक का, जो मैं आपको रिलेशन पढ़ाऊंगा अभी स्टूडेंट्स, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cos θ, ये यानी कि आप साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दीजिए तो वो किसकी आने वाली है, कोसेक थीटा की वैल्यू। तो देखिए, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। तो ये तो आ गया स्टूडेंट, देखिए साइन का रेसिप्रोकल कोसेक आ गया, कॉस का रेसिप्रोकल सेक आ गया, अब आपके पास बचे टेन थीटा और कॉट थीटा। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपके आपको समझ में आ जाने वाला है कि मैं आपको किस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए स्टूडेंट्स,
मैंने आपको पढ़ाया था पी बी पी एच एच बी यानी कि पंडित बरिंदर प्रसाद हर हर बोल, मैंने आपको ये पढ़ाया था ओके। और मैंने आपको लिखाया था साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। तो स्टूडेंट्स टेन थीटा बेसिकली निकल के कैसे करके आ रहा था, टेन थीटा निकल के आ रहा था मेरा टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन अगर मैं टेन थीटा को कैसे करके लिख दूं, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर मैं टेन थीटा को कैसे लिख दूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा स्टूडेंट्स, तो देखिए ये जो है इसी के बराबर वैल्यू आने वाली है। कैसे करके आने वाली है, साइन थीटा की वैल्यू है आपकी परपेंडिकुलर अपॉन एच, तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन एच। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, बेस अपॉन एच, यानी कि मैंने लिख दिया यहाँ पे बेस अपॉन एच। तो देखिए क्या आ गया, ये पी इंटू एच अपॉन बी इंटू एच, एच से एच कैंसिल यानी कि पी अपॉन बी। यानी कि अगर आप साइन थीटा को और कॉस थीटा को दोनों को अपॉन में रखने वाले हो तो उसकी वैल्यू आने वाली है पी अपॉन बी, जो कि बराबर हो जाएगा टेन थीटा के। तो इसीलिए स्टूडेंट टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये है रिलेशन साइन में कॉस मॉड टेन में। तो मैं भी क्या करूं, इसी तरीके से वैल्यू को पुट कर दूं, मैं टेन की वैल्यूज भी निकाल दूंगा क्योंकि मुझे मालूम है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो देखिए मैंने टेन की वैल्यूज को किस तरीके से निकाला है, ये भी आप देख लीजिए। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको भी लिख के बताया था कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, यानी कि sin थीटा की वैल्यू कितनी है 0, cos थीटा की वैल्यू है 1। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि 0 अपॉन 1 क्या होता है 0, तो इसलिए tan की वैल्यू आ गई 0। इसी तरीके से देखिए sin tan थीटा इज इक्वल टू क्या होने वाला है 1 अपॉन 2, और यहाँ पे है cos थीटा की रूट 3 अपॉन 2। तो रूट 2 से क्या आ गया, वो 2 से 2 कट गया, तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन रूट 3। तो आप क्या कर सकते हैं, इसीलिए 1 अपॉन रूट टू को लिखोगे तो रूट टू से रूट टू कैंसिल 1 आने वाला है। रूट थ्री अपॉन टू और 1 अपॉन 2 लिखोगे तो 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, रूट थ्री आ जाएगा। और 1 अपॉन 0 क्या होता है स्टूडेंट, नॉट डिफाइंड, तो वो आने वाली है आपकी टेन थीटा की वैल्यू। तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई, अब आप टेन थीटा की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दीजिए क्योंकि मुझे मालूम है स्टूडेंट कि क्या होता है टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा। टेन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन cot थीटा के बराबर होती है, यानी कि आप उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1 अपॉन रूट 3 का रूट 3, 1 का 1, रूट 3 का 1 अपॉन रूट 3, और नॉट डिफाइंड का 0 होता है रेसिप्रोकल। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी टेबल मैंने आपको समझा दी। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि हमारी एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड है। तो देखिए 8.2 एक्सरसाइज, अभी मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने लिखा हुआ है एक्सरसाइज 8.2, हम करेंगे इनको एवेल्युएट द फॉलोइंग, इनको सॉल्व करेंगे इनकी वैल्यूज को पुट करके। तो मेरा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, ये है। तो देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट वाला हम सॉल्व करते हैं, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो स्टूडेंट साइन 60 की वैल्यू होती है विद द हेल्प ऑफ टेबल, आपको टेबल को याद करना पड़ेगा। तो साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी रूट 3 अपॉन 2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू होती है आपकी रूट 3 अपॉन 2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1 अपॉन 2 कॉस 60 की आपकी वैल्यू होती है 1 अपॉन साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1 अपॉन 2 कॉस 60 की वैल्यू होती है आपकी 1 अपॉन 2। स्टूडेंट्स पुट कर दीजिए तो रूट 3 का रूट 3 में मल्टीप्लाई 3 2 या 4 प्लस 1 अपॉन 2 या 4। तो स्टूडेंट्स आज इसको आप ऐड करोगे एलसीएम लेके तो आपका आ जाएगा 4 अपॉन 4 यानी कि 1। बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, इट्स वेरी ईजी टू सॉल्व दैट एवेल्युएट क्वेश्चन। सेकेंड वाला क्वेश्चन है हमारा, तो सेकेंड वाला स्टूडेंट्स देखिए आप, सेकेंड वाला है 2 tan² 45° प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है 2 tan 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू है आपकी रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू है रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो रूट 3 स्क्वायर से रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर कैंसिल, यानी कि आपका यहाँ पे आ जाने वाला है 2।
तो स्टूडेंट्स मैंने ये क्वेश्चन कर दिए स्टूडेंट्स। अब देखिए थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला क्वेश्चन को हम और देखते हैं। तो देखिए थर्ड फोर्थ क्वेश्चन आ गए स्टूडेंट्स आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हुए, आइए इनको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आइए इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। cos 45 डिग्री है आपका 1 अपॉन रूट 2 और sec 30, sec किसका उल्टा होता है स्टूडेंट्स, cos का। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3 अपॉन 2, तो sec की आ जाएगी 2 अपॉन रूट 3 प्लस cosec 30, cos जो होता है sin का उल्टा होता है। ओके तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2, तो कॉस 30 की वैल्यू हो जाए, कॉसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2। तो स्टूडेंट्स आप इसको आगे सॉल्व करिए, एलसीएम ले लिया यहाँ पे, एलसीएम कितना आने वाला है, रूट 3 आ जाएगा, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 2 प्लस क्या आ जाएगा 2 इंटू रूट 3। ओके तो ये चला जाएगा यहाँ पे ऊपर, तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, रूट 3 अपॉन 2, 2 प्लस 2 रूट 3 ये आने वाला है। आगे इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, देखिए रूट 3 अपॉन 2, 2 और 2 यहाँ से क्या आ गया स्टूडेंट्स, 2 मेरे पास मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस रूट 3। ओके 1 प्लस रूट 3 इतना आ गया। अब मैं इसका क्या करूँगा, रेशनलाइज करूँगा। तो देखिए रेशनलाइज करने पर क्या आ जाएगा यहाँ पे, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, रेशनलाइज कर लिया। तो देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ जाएगा आपका रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 में करिए कितना आ जाएगा 3, रूट 3 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे कितना आ जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन 2 रूट 3। तो देखिए स्टूडेंट्स ऐसा कैसी है, तो आप तो इसको ऐसा कैसी नोट कर दीजिए, 1 प्लस रूट 3 1 माइनस रूट 3। ओके यानी कि 1 प्लस रूट 3 1 माइनस रूट 3 यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से इसको ऐसे लिख दूँ रूट 3 प्लस 1, आपको यहाँ से इजी अंडरस्टैंड हो जाने वाला है। तो रूट 3 प्लस 1 रूट 3 माइनस 1 यानी कि रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2 रूट 2, 3 रूट 3 का स्क्वायर 3, 3 में से बन जाएगा कितना बचेगा 2। तो आप यहाँ क्या लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, तो 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, 2 जा 4 रूट 2 स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा आंसर। तो देखिए इसको और मैं आपको एक और बार समझा दूँ, 1 अपॉन रूट 2, 2 प्लस 2 रूट 3 यहाँ से आ गया, रूट 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 2 रूट 3, अब ये रूट 3 चला जाएगा ऊपर और ये रूट 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 प्लस 2 रूट 2 में से मैंने क्या किया ये वाले 2 को कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बचेगा रूट 3 प्लस 1 या 1 प्लस रूट 3 एक ही बात है। फिर मैंने क्या कर लिया, उसको रेशनलाइज कर लिया, यानी कि रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 में किया 3 आ गया, रूट 3 का 1 में किया रूट 3 आ जाएगा, रूट 2 2 रूट 2 ये आ गया, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए रूट 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2, 2 सॉरी रूट 3 का स्क्वायर 3 यानी कि माइनस 1, 3 में से बन गया 2 बचेगा, 2 आ गया, 2 2 जा 4 और रूट 2 ये आ गया आपका आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की आपको वैल्यू पता है, साइन 30 डिग्री की स्टूडेंट्स वैल्यू होती है 1 अपॉन 2, टैन 45 की 1 और कोसेक 60, कोसेक 60 यानी कि साइन का, साइन 60 का रेसिप्रोकल साइन 60 की होती है 3 अपॉन रूट 3 अपॉन 2, तो इसका आएगा 2 अपॉन रूट 3 अपॉन सेक 30, सेक 30 किसका होता है कॉस का, तो कॉस का उल्टा हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3 प्लस कॉस 60, कॉस 60 की स्टूडेंट्स वैल्यू होती है आपकी 1 अपॉन 2 और cot 1। ओके ये आपकी आने वाली है वैल्यू यानी कि 2 अपॉन रूट 3 और cos जो को cos किसका होता है 1 अपॉन 2 प्लस 1। अब आप इसको क्या करिए स्टूडेंट्स, एलसीएम लेके इनको सॉल्व कर दीजिए, क्या आएगा ऊपर वाले में एलसीएम आपका, तो थोड़ा सा मैं दूर लिख देता हूँ, यह आएगा आपका, ये देखिए स्टूडेंट्स अलग अलग क्वेश्चन में तो आप इसको ना मिला दें, यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स 2 रूट 3, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम 2 रूट 3 आ गया, 2 से 2 कैंसिल रूट 3 यानी कि रूट 3 प्लस 1 3 जा 1 बन जा 1 यानी कि 2 रूट 3 माइनस रूट 3 से रूट 3 कैंसिल 2 2 जा और अपॉन में देखिए अपॉन में क्या आने वाला है 2 रूट 3, यहाँ पर भी इसी तरीके से आ जाने वाला है रूट 3 से रूट 3 कैंसिल 2 2 जा 4 आ गया प्लस 2 2 जा कैंसिल आ गया 2 यानी कि रूट 3 प्लस
वन है तो क्या आएगा यहाँ पे, टू इंटू रूट थ्री। तो देखिए टू रूट थ्री और वन रूट थ्री, यानी कि थ्री रूट थ्री माइनस फोर अपॉन टू रूट थ्री अपॉन ये वाला। तो देखिए थ्री और टू रूट थ्री कितना आएगा, थ्री रूट थ्री प्लस फोर अपॉन टू रूट थ्री। तो टू रूट थ्री से टू रूट थ्री कैंसिल। अब आप इसका क्या कर लिए, रेशनलाइज करिए। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है आपका रूट, यहाँ पे क्या है थ्री रूट थ्री, मैं इसको यहीं लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। देखिए ये आपका आएगा थ्री रूट थ्री माइनस फोर अपॉन थ्री रूट थ्री प्लस फोर। तो थ्री रूट थ्री माइनस फोर रेशनलाइज, माइनस प्लस है तो माइनस आ जाएगा थ्री रूट थ्री माइनस फोर। तो यानी कि ए माइनस का भी, ए माइनस का भी, यानी कि स्टूडेंट्स अब आप ऊपर देखिए इसको तो क्या आ जाएगा थ्री रूट थ्री माइनस फोर का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि थ्री रूट थ्री का स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर। तो देखिए ऊपर वाले को हम खोलेंगे ए स्क्वायर, यानी कि थ्री रूट थ्री का स्क्वायर कितना आ गया स्टूडेंट्स, थ्री रूट थ्री का। देखिए मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, इसका स्क्वायर यानी कि थ्री का स्क्वायर नाइन और रूट थ्री का थ्री, यानी कि नाइन थ्री या ट्वेंटी सेवन प्लस बी स्क्वायर यानी कि फोर का स्क्वायर सिक्सटीन माइनस टू ए और बी, यानी कि थ्री फोर या ट्वेल्व, ट्वेल्व और टू ट्वेंटी फोर रूट थ्री। देखिए टू ए बी, ए और बी तो ए बी का मल्टीप्लाई थ्री फोर या ट्वेल्व, ट्वेल्व रूट थ्री, तो ट्वेल्व रूट थ्री और टू जो फॉर्मूले में होता है तो कितना आ गया ट्वेंटी फोर रूट थ्री। थ्री रूट थ्री का स्क्वायर, थ्री रूट थ्री का स्क्वायर कितना है स्टूडेंट्स ट्वेंटी सेवन माइनस फोर का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर कितना कितना आने वाला है देखिए फोर्टी थ्री माइनस ट्वेंटी फोर रूट थ्री अपॉन इलेवन। ओके ये आ गया आपका आंसर, तो 27 में से 6 गया तो ये आ गया आपका 11। और स्टूडेंट्स यही है आपका आंसर, यानी कि 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन 11। तो इसका आंसर ये है स्टूडेंट्स, और इस वाले का आंसर आपके पास स्क्रीन के ऊपर ये है। तो ये दो आंसर आ गए स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप फिफ्थ वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। मैं इसका नेक्स्ट जो इसका पोर्शन है मैं आप उसको सॉल्व कराऊंगा, इसके बाद हम कल देखने वाले हैं एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट 8.3 का। तो स्टूडेंट इसके बाद देखिए, हाँ स्टूडेंट्स देखिए जैसा कि आपके स्क्रीन पर दे रखा है क्वेश्चन है टू टेन थर्टी डिग्री अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थर्टी डिग्री। तो इसको सॉल्व करते हैं तो टू इंटू टेन थर्टी की वैल्यू होती है वन अपॉन रूट थ्री अपॉन वन प्लस वन अपॉन अंडर रूट थ्री का स्क्वायर। तो देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पे टू अपॉन रूट थ्री अपॉन वन प्लस वन अपॉन थ्री। ओके वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर कितना आएगा वन अपॉन थ्री, इसको आगे सॉल्व करिए तो टू अपॉन रूट थ्री और थ्री प्लस वन यानी कि फोर अपॉन ये आ गया, ये वाला इधर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे टू इंटू थ्री अपॉन फोर इंटू रूट थ्री, तो टू बन जा टू टू जा तो कितना आ गया थ्री अपॉन टू रूट थ्री। क्या कर लीजिए स्टूडेंट्स रूट थ्री से इसको रेशनलाइज कर लीजिए, कितना आ गया थ्री रूट थ्री अपॉन टू इंटू रूट थ्री का रूट थ्री से थ्री का आ गया रूट थ्री अपॉन टू। इसका वैल्यू आ गया रूट थ्री अपॉन टू। तो देखिए रूट थ्री अपॉन टू जो है वो देखिए किसकी वैल्यू होती है साइन सिक्सटी की वैल्यू होती है रूट थ्री अपॉन टू और कॉस थर्टी की वैल्यू होती है रूट थ्री अपॉन टू। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो ऑप्शन दे रखा होगा एनसीईआरटी में तो आपको ऑप्शन दे रखा होगा, लेकिन अगर आप एग्जाम में जाते हैं आपको यहाँ से क्या पता हो कि साइन 60 भी दे दे और कॉस 30 भी दे दे या फिर इनमें से कोई एक दे दे तो आपको वही टिक करना पड़ेगा। तो इसलिए रूट थ्री अपॉन टू साइन 60 पे होता है और कॉस 30 डिग्री पे होता है, इसीलिए मैं आपको दोनों यहाँ पे ऑप्शन करा दे रहा हूँ कि साइन 60 भी हो सकता है कॉस 30 डिग्री भी हो सकता है। तो इसीलिए मैंने आपको दोनों को दोनों यहाँ पे करा दिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए जैसा कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखे हैं तो क्वेश्चन है आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। तो स्टूडेंट्स टेन 45 की आपकी वैल्यू कितनी है 1, तो यानी कि यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी कि कितना आने वाला है ये 0 अपॉन 2। स्टूडेंट 0 अपॉन 2 की वैल्यू होती है 0। अब आपको क्या देखना है ऑप्शन क्या है हमारा और
और ये जो जीरो जीरो वैल्यू है ये कब कब होती है? तो देखिए स्टूडेंट, साइन जीरो डिग्री पे क्या होती है वैल्यू? जीरो। कॉस 90 पे कितनी होती है स्टूडेंट्स? जीरो। कॉस 90 पे कितनी होने वाली है? जीरो। ओके, तो यहाँ पे साइन जीरो और कॉस 90 पे आपकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? जीरो। तो आप इसमें से कोई सा कुछ टिक कर दीजिए, वो आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट्स। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a, यानी कि ये कब सही है? जब a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो देखिए स्टूडेंट, बेसिकली है साइन 2a, ओके, 2 इनटू साइन a, तो a की वैल्यू कब, यानी कि a की वैल्यू में अगर मैं क्या पुट कर दूं, 30 डिग्री पुट करूंगा। देखिए साइन 2 इनटू 0 इज इक्वल टू 2 इनटू साइन 0, तो देखिए यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 0, तो स्टूडेंट्स a की वैल्यू यहाँ लिख दीजिए, द वैल्यू ऑफ a इज 0 इफ साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, यानी कि a की वैल्यू कितनी होने वाली है? 0 है अगर साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a है, तो क्योंकि यहाँ पे है साइन 2a और यहाँ पे है 2 इंटू साइन इंटू a, ये वैल्यू ये कब ट्रू होगा? जब हमारे जीरो वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि ये की वैल्यू है जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 इंटू 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन रूट 3, 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 कितना आ गया स्टूडेंट्स? 2 अपॉन रूट 3, 3 में से 1 गया कितना बचेगा? 2 अपॉन 3, तो ये ऊपर ये इधर कितना आने वाला है? देखिए 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू रूट 3, 2 से 2 कैंसिल कितना आ जाएगा? 3 अपॉन रूट 3, रूट 3 से इसका रिजनाइज कर दीजिए तो कितना आ गया? 3 रूट 3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल आ गया, कितना बचेगा? केवल रूट 3। अब स्टूडेंट्स रूट 3 आपकी वैल्यू कब होती है? टेन 60 डिग्री पे आपकी वैल्यू होती है कितनी? रूट 3। तो देखिए रूट 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? टेन 60, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0, यानी कि a की वैल्यू 0 होगी अगर साइन 2 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन a है, और यहाँ पे 0 आता है तो स्टूडेंट 0 की वैल्यू होती है साइन 0 पे होती है 0, कॉस 90 पे होती है 0। अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शंस यू हैव टू टेक द राइट ऑप्शन विच इज गिवन, यानी कि आपको जो ऑप्शन आपको दे रखा है आप उसी के हिसाब से क्या कर लीजिए, टिक कर दीजिए, और आपका ये क्वेश्चन जो है क्या होने वाले हैं, सॉल्व होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने देखा एक्सरसाइज 8.2, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ एक्सरसाइज नंबर 8.3 का कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो आज की इस वीडियो ये आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए और इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते रहिए, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड आज की मेरी वीडियो इतनी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।